और अब बात करते हैं एससीओ शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के सदस्य देशों के बीच निस्वार्थ सहयोग को आगे बढ़ाने की बात कही है और इसके साथ ही कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया है। कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट के बाद पैदा हुए हालात से निपटने का रास्ता भी प्रधानमंत्री ने इस मंच पर सामने रखा, तो भारत की क्षमताओं से सदस्य देशों को सहयोग पहुंचाने की भी बात कही। अगले साल भारत में एससीओ की बैठक होने और समर्थन डिक्लेरेशन के साथ एससीओ समिट संपन्न हो गया। शंघाई सहयोग संगठन की 22वें शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने अगवानी की। सदस्य देशों की बैठक के बाद एससीओ का एक विस्तारित सत्र विशेष आमंत्रित देशों, अतिथि देशों और पर्यवेक्षक देशों के साथ भी हुआ। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की महामारी और यूक्रेन संकट से उपजी स्थिति और उससे प्रभावित ग्लोबल सप्लाई चेन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एससीओ देशों को एक ऐसी सप्लाई चेन विकसित करने पर जोर देना होगा जिसमें विविधता हो और विश्वस्त हो। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम इस संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री ने खाद्य संकट की चुनौती से निपटने के लिए मोटे अनाजों को बढ़ावा दिए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने दोहराया कि साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलेट्स वर्ष घोषित किया है, ऐसे में एससीओ को मिलेट्स फेस्टिवल को आयोजित करना चाहिए। वहीं सदस्य देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा एक वर्किंग ग्रुप की पहल करने की बात कही गई। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। साल 2023 में भारत शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करेगा। साल 2017 में भारत इसका सदस्य बना था, उसके बाद से ये पहला मौका होगा जब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। प्रधानमंत्री ने 22वें शिखर सम्मेलन के दौरान भारत में बढ़ते स्टार्टअप की सफलता और उसके बढ़ते इकोसिस्टम को लेकर एससीओ में सहयोग बढ़ाने की बात कही। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था की विकास दर मौजूदा साल में 7.5% रहने का विश्वास भी प्रधानमंत्री ने जताया। विश्व की जीडीपी का 30% हिस्सेदारी और 40% जनसंख्या वाले शंघाई सहयोग संगठन के बीच आपसी सहयोग, विश्वास के साथ ही कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी प्रधानमंत्री मोदी का जोर रहा। शिशिर शेला और सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD News।